हेलो दोस्तों, मैं आरडी आपका स्वागत करता हूं पहली बातें पे। और आज बात करने वाले हैं पाताल लोक वेब सीरीज के ऊपर, जो चल रहा है मार्केट में बहुत तेजी से। दोस्तों बहुत से ज्यादा लोग हैं जो पाताल लोक को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बस पाताल लोक की अगर कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही है तो सिर्फ कुछ चीजें और सच में ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है जो पाताल लोक को डाल रही है बहुत बड़ी ट्रबल में। मैं आपको बता दूं दोस्तों की बहुत बड़ी खबर ये आई है कि पाताल लोक के ऊपर होने जा रहा है बहुत बड़ा केस, और शायद अनुष्का शर्मा और सुदीप शर्मा को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। क्यों? चलो दोस्तों मैं इसके ऊपर डिस्कस करता हूं, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि पाताल लोक जो है ना बहुत प्यारी वेब सीरीज है, आप उसे देख सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं सुदीप शर्मा के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है जो इस वेब सीरीज के राइटर है दोस्तों। और मन करता है कि अगर मिले तो मैं एक थप्पड़ पट से गाल के नीचे मार दूं, और शायद आपका भी मन कर जाए ये थप्पड़ मारने का, अगर आप इंसान है तो। अदरवाइज फिर कुछ नहीं है, बाकी तो सभी चल रहा है ना। दोस्तों एक बहुत प्यारी चीज देखी गई है कि इस वेब सीरीज को जब शुरू होता है तो दिखता है कि एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में चार लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, और ये चार लोग के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि ये इस रिपोर्टर को मार देंगे। हालांकि ये रिपोर्टर को दिखाया गया है देवता, जो ऐसा देवता है कि सरकार कितनी बुरी है उसके खिलाफ ये आवाज उठाता है, और बाद में उसी को दिखाता जाता है कि सबसे बड़ा भूतिया अगर कोई है तो मीडिया सबसे बड़ा भूतिया है। और इस भूतिया शब्दों में मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा तो चू दिखाया गया है हमारी CBI को, जो लोग इतने अच्छे से पास करते हैं एग्जाम और फिर जाके अपनी काबिलियत के दम पर अपनी ये नौकरी पाते हैं देश की सेवा करने के लिए, एक राइटर ऐसे प्रोफेशन को सबसे बड़ा फुद्दू बता रहा है। क्यों? क्योंकि भैया ये जो है वो गुलाम बन चुके हैं नेताओं के, और उन्हें जैसा कहा जाता है वो वैसा करते हैं, और वो चारों जो पकड़े जाते हैं जो है मतलब कैदी, वो चारों को ये ISI का एजेंट बता देता है। वही दोस्तों कहीं ना कहीं फिर एक मुद्दा उठाया गया है हिंदू और मुस्लिम का, जिसमें दिखाया गया है कि हिंदू इस धरती के सबसे गलीच और सबसे बेकार इंसान है, जो मुस्लिमों पे तरह तरह के जुर्म ढाते हैं और उनके लिए मिस कमेंट करते हैं दोस्तों, और मुस्लिम सिर्फ सहता रहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऐसा वेब सीरीज कह रहा है। वहीं कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि जो पंजाबियों की एक होती है समूह, उसमें जो बहुसंख्यक होते हैं लोग, वो अल्पसंख्यक का किस तरीके से शोषण करते हैं, और कुछ इसी को दिखाने के लिए बहुत ही बेहतरीन अडल्ट सीन डाला गया है, क्योंकि आज की यूथ इतनी एजुकेटेड इतनी मॉडर्न हो चुकी है, क्योंकि उसे ऐसे अडल्ट 18+ सीन देखने में बहुत आनंद मिलता है। लेकिन हाँ दोस्तों, आप इसे फैमिली के साथ मत देखना, क्योंकि अगर बापू ने देख लिया ना बेटा, तो ये सीरीज हिट हो या ना हो आप जरूर हिट हो जाओगे, है ना। तो दोस्तों ये सारी चीजों के बीच में एक स्टेटमेंट दिया गया है नेपाली लोगों के लिए, जो इस सीरीज के राइटिंग में लिखा गया है कि नेपाली लोग आकर वो खड़े हो जाते हैं ब्रिज के ऊपर, एंड दे आर डूइंग द धंधा ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा स्क्रिप्ट कहता है, और जिसके ऊपर हो गया है केस, लेकर उस शब्द को हो गया है केस अनुष्का शर्मा के ऊपर, क्योंकि अभी तक वो प्राउड फील कर रही थी ऐसे वेब सीरीज को प्रोड्यूस करके, लेकिन शायद अब उन्हें शर्म आ रही होगी, और सुदीप शर्मा को भी शर्म आनी चाहिए कि मुद्दे उठाना गलत बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि समाज में कुछ कमियां हैं, कुछ गलत फहमियां हैं, कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो जाति को लेकर हो, चाहे वो धर्म को लेकर हो, चाहे किसी को भी, पर अगर आप मुद्दे उठा रहे हो तो आपके अंदर इतना गट्स होना चाहिए कि उन मुद्दों का आप सोल्यूशन प्रोवाइड करने का मादा रखते हो। अगर आप अल्टीमेटली वो मादा प्रोवाइड नहीं कर सकते हो तो आप एकदम एक नंबर के बेकार राइटर हो, क्योंकि आप किसी रियल बेस्ड स्टोरी तो लिख नहीं रहे हो। सेकेंडली, जब ये वेब सीरीज आया मार्केट में सक्सेस होने लगा, तो एक इंटरव्यू में सुदीप शर्मा का स्टेटमेंट है, भैया ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका कोई सलूशन नहीं है, एंड यू नो वेरी वेल जिसका कोई सलूशन नहीं है तो फिर आप ऐसे मुद्दों को लाइए जहां पर सलूशन दिखे। पर अंत में मैं दोस्तों इस वेब सीरीज में के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि अभिषेक बनर्जी और जयदीप अहलावत ने जो एक्टिंग किया है इसके अंदर, सीरियसली यार, एक थिएटर आर्टिस्ट के अंदर कितना रियल पोटेंशियल होता है, क्या पोटेंशियल होता है, ये दोनों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पाताल लोक वेब सीरीज में दिखाया है। तो दोस्तों आई होप कि पाताल लोक अगर आपने देखा है तो आपको बहुत बढ़िया लगी होगी, लेकिन शायद अगर आप इस मुद्दे को आपने ध्यान नहीं दिया होगा, इस टॉपिक को नहीं दिया होगा, बहुत अच्छी चीज है, आप ध्यान ना दीजिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट के नजरिए से अगर आप देख रहे हैं तो इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पर हाँ, अगर एक समाज, एक देश
और एक राइटर के नजरिए से आप देखते हैं तो आपको इसको ध्यान देना चाहिए और करेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस समाज में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो औरों तक फैलाएं, लोगों को यह एहसास दिलाएं कि हमारी समाज के प्रति नैतिक जिम्मेदारियां क्या बनती है, क्या सिर्फ और सिर्फ सवाल उठाना या सवाल के साथ जवाब को भी ढूंढना, अब आपके ऊपर है आपको क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर शिकायत है तो मैं इंस्टाग्राम पर उपलब्ध हूं, आप वहां आकर मुझे शिकायत अपना दर्ज करा सकते हैं या भाई यहां पर नीचे कमेंट कर दीजिए वीडियो के, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।